नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा बीजेपी में मची भगदड़ की, हिमाचल में तेज हुई बगावत की, देखेंगे महाराष्ट्र एमवीए में किस दल के हिस्से आई कितनी सीट, अरविंद केजरीवाल पर आए हाईकोर्ट के फैसले की, जानेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के बड़े ऐलान की, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की पर। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का नामांकन हो सकता है खारिज, हलफनामे की संपत्ति की गलत जानकारी देने का लगा आरोप, चुनाव आयोग ने दिए जांच के निर्देश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड सिक्योरिटी, आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने बढ़ाई ही सुरक्षा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई के कविता की न्यायिक हिरासत। और शेयर बाजार में गिरावट, 58 अंकों की गिरावट के साथ 74,683 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो निफ्टी भी 23 अंकों की गिरावट के साथ 22,642 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन आज बीजेपी को सबसे बड़ा झटका हरियाणा में लगा, जहां बड़ा दलबदल हुआ है। तो कैसे कमजोर हो रही है बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी में भगदड़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। आज हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित 100 से ज्यादा बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता सहित कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे पहले वीरेंद्र सिंह के बेटे और सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी वापसी घर वापसी नहीं बल्कि विचारधारा की वापसी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी संकेत दिए गए हैं कि हरियाणा के कई बीजेपी विधायक भी कांग्रेस में आने को तैयार हैं और आने वाले दिनों में इन्हें पार्टी में जगह दी जा सकती है। इस दौरान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उन्होंने कहा कि वे हरियाणा में विपक्ष के नेता ही नहीं, वे 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वे हमारे भाई हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जाट समाज से आते हैं और उनका अपने समाज में जबरदस्त दबदबा है। ऐसे में बीजेपी को हरियाणा में अब बड़े नुकसान का डर सताने लगा है। बीजेपी हाईकमान को अब विधायकों की टूट का भी डर लग रहा है, तो कांग्रेस का दावा है कि अभी तो ये शुरुआत है। बीजेपी में बगावत चारों तरफ दिखाई दे रही है। हरियाणा से सटे हिमाचल में तो इसकी गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। पार्टी ने कांग्रेस के 6 बागियों को टिकट तो दे दिया, जिसके चलते पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। पूर्व सीएम ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल राज्य में 6 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने कांग्रेस के अयोग्य ठहराए गए विधायकों को टिकट दे दिया। इसे लेकर बीजेपी के नेता नाराज हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनावों के समय धूमल समर्थकों के नेताओं के टिकट काट दिए गए थे, और जिन नेताओं को टिकट दिया गया था उन्हें बीजेपी के ही एक गुट ने बगावत कर हराने का काम किया। अब कांग्रेस से बीजेपी में जो नेता आए हैं उन्हें धूमल के करीबियों की जगह टिकट दे दिया गया है। ऐसे में उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश हो रही है। धूमल समर्थक जिन नेताओं के उपचुनाव में टिकट कटे हैं उसमें सुजानपुर से रणजीत सिंह, बड़सर से माया शर्मा, कुटलेहड़ से पूर्व मंत्री वरिंदर कंवर और गगरेट से राजेश ठाकुर का टिकट कट गया है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा से 399 वोटों से हारने वाले रणजीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तक कर दिया है। इस बीच धूमल को मनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल उनके पैतृक गांव समीरपुर पहुंचे, लेकिन उनकी नाराजगी दूर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। धूमल ने ये जरूर कहा है कि बीजेपी उन नेताओं को मनाने की कोशिश जरूर कर रही है जो कांग्रेस नेताओं को टिकट देने से नाराज हैं। एक तरफ हरियाणा और हिमाचल में बीजेपी परेशानी में फंसती दिख रही है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में बात बन गई है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन नेताओं ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया, तो किस दल के हिस्से आई है कौन कौन सी सीटें, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए में शामिल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। मुंबई में आज उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी राज्य की 48 सीटों में से सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दरअसल गठबंधन में 3 सीटें सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ को लेकर सबसे ज्यादा विवाद दिख रहा था, लेकिन अब ये विवाद सुलझ गया है। भिवंडी सीट पर शरद पवार की एनसीपी चुनाव लड़ेगी, सांगली सीट शिवसेना यूपीटी के खाते में आई है तो वहीं मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में गई है। गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, नांदेड़, अमरावती, नंदुरबार, अकोला, चंद्रपुर, धुले, जालना, मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर मध्य की सीटें आई हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के हिस्से में दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, मुंबई उत्तर पूर्व, जलगांव, परभनी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुलढाणा, हथकरघाटा, संभाजीनगर, शिरडी, सांगली, हिगोली, यवतमाल और वाशिम की सीट आई है। शरद पवार की एनसीपी बारामती, शिरूर, सातारा, भिवंडी, डिडोरी, रावे, वर्धा, अहमदनगर, दक्षिण और बीड सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे का ऐलान होने से पहले ही गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी सीटों के बंटवारे में फंस गई है। यूपी में सीट बंटवारे के चलते बीजेपी एक दर्जन सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। तो कैसे सीट बंटवारे पर एनडीए में मच गया है घमासान, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होने हैं, लेकिन यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद वरुण गांधी ने बीजेपी की सभी रैलियों से दूरी बना ली है, तो दूसरी तरफ यूपी में पार्टी के सहयोगी भी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से यूपी की लगभग एक दर्जन सीटों पर अभी तक बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। उनमें प्रयागराज रीजन की 4 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। यहां पर अपना दल एस के नेता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के चलते बीजेपी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है। अनुप्रिया फूलपुर सीट से दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण से आसपास की 3 दूसरी सीटों का टिकट भी उलझ कर रह गया है। दरअसल अपना दल एस बीजेपी के साथ एक सीट बदलना चाहती है। अनुप्रिया रॉबर्ट्सगंज के बदले फूलपुर पर दावा कर रही है। फूलपुर अपना दल के संस्थापक और अनुप्रिया के पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की कर्मभूमि है। सोनेलाल पटेल ने यहां से कई चुनाव लड़े थे, उन्होंने पार्टी को यहीं से पहचान भी दिलाई थी, लेकिन बीजेपी फूलपुर सीट कतई अपना दल एस या किसी भी सहयोगी पार्टी को देने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के कदावर नेता और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फूलपुर सीट पर 2014 में पहली बार कमल खिलाया था। 2019 में भी बीजेपी की ही केशरी देवी पटेल यहां से सांसद चुनी गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अपना दल एस को रॉबर्ट्सगंज के बदले कौशाम्बी की सुरक्षित सीट देने की पेशकश की थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल की पार्टी को बीजेपी की ये पेशकश मंजूर नहीं है, उसने इस बारे में सिरे से इनकार कर दिया। अब ऐसे में यूपी में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सीट बंटवारे में एनडीए को राहत नहीं मिल पा रही है, तो आज आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। ईडी की तरफ से केजरीवाल की याचिका का विरोध किया गया था, इस पर आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया, देखिए ये रिपोर्ट। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 3 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के फैसले से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, उनको गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब ये है कि वे अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है, याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ साजिश के सबूत दिखाई दे रहे हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है, जांच पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है, जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं है। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल फैसले को उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ईडी के चलते दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुसीबत में है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां ईडी, आईटी, सीबीआई और एनआईए के चलते पश्चिम बंगाल में टीएमसी परेशान दिख रही है। इसे लेकर पार्टी के सांसदों ने आज भी धरना दिया। तो क्या है टीएमसी सांसदों की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ टीएमसी सांसदों का धरना चल रहा है।
टीएमसी ने सोमवार को चुनाव आयोग के बाहर सभी जांच एजेंसियों के प्रमुखों को पद से हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। वहीं आज फिर टीएमसी नेता दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया था और थाने लेकर गए थे। हालांकि टीएमसी नेता वहाँ भी धरने पर बैठ गए। पार्टी नेताओं ने पूरी रात थाने में गुजारी। सुबह फिर से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। जानकारी के मुताबिक बीती रात पुलिस ने सभी नेताओं को थाने से जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन वे नहीं गए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, टीएमसी का 24 घंटे से धरना जारी है। हम कल शाम 5 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने से निकले तो दिल्ली पुलिस ने धक्का देकर और दुर्व्यवहार करते हुए उठा लिया। पुलिस हम लोगों को बस से एक अज्ञात जगह ले गई। अंत में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया, वहाँ हमने रात बिताई। आम चुनाव 2024 में विपक्ष के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों NIA, CBI, IT और ED का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ आज सुबह से हमारा धरना प्रदर्शन जारी है। धरना देने वाले टीएमसी नेताओं में डेरेक ओब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष के अलावा कई अन्य नेता शामिल हैं। टीएमसी के 10 नेताओं का ये डेलीगेशन चुनाव आयुक्त से मिलने गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। टीएमसी नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बदलने की मांग कर रहे हैं। राज्य में भारी संख्या में केंद्रीय बलों के तैनाती को लेकर भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग टीएमसी की किसी भी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा केंद्रीय बलों के तैनाती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में इस बार सभी पोलिंग बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में 90% बूथों पर केंद्रीय बल तैनात किया गया था और इस बार ये संख्या 100% हो जाएगी। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में CRPF की 100 कंपनियां तैनात करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने ये भी कहा है कि 15 अप्रैल या उससे पहले कंपनियों की तैनाती करा दी जाए। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय CRPF की 55 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बल की 45 कंपनियां पश्चिम बंगाल में तैनात करेगी। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये भी साफ कर दिया कि बंगाल में EVM की मूवमेंट पर भी नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने ये तय किया है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियों में GPS लगेगा, जिससे इन वाहनों को ट्रैक किया जा सकेगा। चुनाव ड्यूटी से जुड़े लोगों को ये भी बता दिया गया कि चुनाव आयोग के एक अफसर ने बताया कि GPS से EVM समेत पोलिंग मटेरियल के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही ये सुनिश्चित हो सकेगा कि स्ट्रांग रूम में ले जाते वक्त भी उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने प्रशासन से कहा है कि अगर कोई गड़बड़ी नजर आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही संबंधित वाहनों के ड्राइवर्स और EVM के प्रभारी कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें और राज्य में सभी 7 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनावी फॉर्म में हैं, चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अपनी बात को वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में रखते हैं। अब वो अपनी हर सभा में कह रहे हैं कि देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो मोदी जी, वो दरअसल में डंका नहीं है, वो थाली है जो सिर्फ आपके भक्तों द्वारा बजाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।